सुगतम गधर वा, वा गरीशम शिव वितिवंदे भासुरम श्रीजिन एक हजार श्री महावीर भगवान की बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य श्री सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की परम पूज्य शिक्षा गुरु आचार्य कल्प श्री जी महाराज की श्रीमद जय लक्षण महापर्व की जय परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, की, महा की।, की चतुर्विद संघ की सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं प्रवचन प्रारंभ करने से पहले हम खेत प्रकट करना चाहते हैं अपना कि कल रात्रि को सारी समाज यहां पर समय शिखर तीर्थराज के दर्शन कर रही थी और उस दर्शन करते हुए आनंद की लहर दौड़ रही थी हमने बहुत प्रयत्न किया कि आपकी आनंद की लहर में कोई बाधा ना पहुँचे किंतु अंत में हमें अपने कमरे से बाहर आकर के सबको भगाना पड़ा यहाँ से क्योंकि आपकी आनंद की लहर हमें बाधा पहुँचा रही थी चार पांच बार एक व्यक्ति को भेजा भी गया लेकिन फिर सुना नहीं गया तो मन में थोड़ा सी पीड़ा हुई कि भाई ठीक है हम आपके आनंद में हम बाधक नहीं बनना चाहते लेकिन हमारा भी तो आनंद कुछ और है उस आनंद में आप लोग भी तो इतने बाधक न बने इसलिए आप सबके दर्शन में सब में शिखर की एक प्रकार से यात्रा आप यहाँ बैठे बैठे कर रहे थे उसमें जो बाधा पहुँची है उसके लिए हमें खेद है आज सक्षण महापर्व का नौवा दिन है और अपन सभी जानते हैं आजकल के बच्चे जानते हैं या नहीं जानते कुछ नहीं कह सकते किंतु प्राचीन लोग तो सब जानते हैं कि नौ का अंक जो है वो अक्षय अंक है आप नौ का पहाड़ा लिख करके देखना अंत तक नौ का अंक बराबर बना रहता है उसमें किसी प्रकार की वो क्षरण नहीं होता वो किसी प्रकार से इसलिए आज नवा दिन है और अक्षय अंक का दिन है आज और अक्षय अंक के दिन हमें मिला है आकिंचन धर्म आकिंचन धर्म के संदर्भ में शास्त्र तो कहते हैं न मम किंचन अस्ति इति आकिंचन मेरा कुछ भी नहीं है और आपने अभी तक पिछले दिनों में सब खोया ही खोया है अब आपके पास क्या रहा है बस यही संदेश तो हमें आकिंचन धर्म देता है यदि आपने क्षमा धारण की है मार्दव मृदुलता को ग्रहण किया है सरलता आपके जीवन का अंग बनी है सत्यता को आपने अपनाया है तो इन सब धर्मों के प्रकट होने के साथ साथ इनके विपरीत जो परिग्रह आपके भीतर संचित किया हुआ है कषायों का उन कक्षा को एक एक कषाय को आप त्याग करते हुए इन धर्मों को प्राप्त कर सके हैं या करते हैं बंधुओं देखने की बात यह है कि आप सभी मिलकर के इतना बड़ा महोत्सव मना रहे हैं दस लक्षण पर्व कोई सामान्य पर्व नहीं है पिछले दिनों में हम कह चुके हैं इस महान पर्व का फल आपके जीवन में आप स्वयं देखने का प्रयत्न करें कि हमारे जीवन में इसका फल मिला या नहीं मिला तपश्चर्या भी बहुत आप लोग कर रहे हैं कुछ लोग और उस तप का फल जो है वह कर्म निर्जरा है कल के सूत्र तत्व सूत्र के अध्याय में यह आएगा तपसा निर्जरा चे तब से निर्जरा होती है और ये भी हमने जाना है कि अग्नि के बिना शुद्धता आती नहीं है किसी भी चीज़ को आप देखिए शुद्धता लाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है चाहे वो भोजन हो आपका चाहे आपके गहने के लिए जो स्वर्ण चांदी आदि हो तो उसका भी शुद्धिकरण जो है वो आग में तपाए बिना नहीं होता आपने तपस्रण किया तपस्रण कर रहे हैं तो तपस्रण इसलिए नहीं कर रहे हैं आप कि आप वर घोड़ा आपका निकले सारी समाज आपको देखे वो तो प्रभावना का अंग है प्रभावना के लिए वो किया जाता है लेकिन प्रभावना करने वाले सोचे इस बात को लेकिन तपस्रण जिनने किया है वो इस बात को ना सोचे कि हमारी प्रभावना हो रही है आपने तो तपस्रण किया है जो तप की अग्नि में अपनी आत्मा को तपाया है तो आपके जीवन में जो कुछ घटित हुआ है जिसके कारण आप संसारी आत्मा कहलाते हैं वो संसारी आत्मा का जो एक लेवल आपके बीच में बीच में लगा हुआ है उस लेवल को आप निकालने के लिए तपस्रण कर रहे हैं उस तपस्रण का वास्तविक फल तो यही है कि आप ये अनुभव करें कि अब नौ दिन तक आठ दिन तक तो हमने सब कुछ किया और खोया ही खोया है खोया ही खोया नहीं है उसके साथ आपने कुछ प्राप्त तो भी किया है धन तो सभी प्राप्त करते हैं परिग्रह सभी इकट्ठा करते हैं लेकिन जो खोने की वस्तु है उस वस्तु को खोने के लिए हम ये आराधना अर्चना कर रहे हैं और आप सभी ने पिछले आठ दिनों में यही देखने का यही करने का प्रयत्न किया है कि हमारे जीवन में जो कशाएँ और विषय की बहुलता है उसको हम किसी न किसी प्रकार समझ के माध्यम से ऐसे नहीं समझ करके और आप यदि ये अनुभव करते हैं कि उन बातों से हमें कष्ट होता है हो रहा है तो फिर ठीक प्रकार से जब आप में ये समझ आ जाए कि हम संसार में परिभ्रमण करके दुख जो उठा रहे हैं उन दुखों का कारण यही है उनको दूर करने के लिए आपने ये आराधना अर्चना की है हमने देखा है जिनके जीवन में वो बात नहीं होती है ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जीवन में परिग्रह परिक्रह ही परिग्रह दिखाई देता है भीतर के बात नहीं कर रहे हम बाह्य परिग्रह की बात कर रहे हैं बाह्य परिग्रह बहुत दिखाई दे रहा है किंतु व्यामोह परिग्रह के प्रति जो बाह्य वस्तु है उसके पदा उस बाह्य पदार्थों के प्रति जो हमारे जीवन में ममता बनी हुई है आसक्ति बनी हुई है उसके कारण हम संसार के दुखों को अर्जित कर रहे हैं बंधुओं क्या करना है अब आप अकेले रह गए हैं आपके भीतर से सब कुछ निकल गया आठ दिन में निकल गया नहीं निकला बताओ फिर ये अनुष्ठान करने का क्या फल आपको मिलेगा यदि आपने निकालने का पुरुषार्थ भले तो ही ना निकला हो अभी आप उस स्थिति को उस क्षमता को प्राप्त तो नहीं कर सके हैं किंतु तो फिर भी जहाँ हैं जिस प्रकार आप हैं और ये अनुष्ठान जो आपने किया है इस अनुष्ठान के माध्यम से आप अपने अंतरंगों को, को टटलने का प्रयत्न तो करें कि कब कब हमें क्रोध उत्पन्न हुआ कौन सी स्थिति में हमारे मान जागृत हुआ ऐसी कौन सी परिस्थिति बने जिसने जिस समय हमने अपनी सरलता को खोया इंद्रियों के प्रति हम इतने लालयज और आसक्त हुए कि हमने संयम के तरफ ध्यान नहीं दिया कितना आप कर सकते थे अपने स्थिति में अर्थात जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान पर इन बातों का चिंतन तो करना ही चाहिए था आपको और चिंतन करना चाहिए आज समाप्त तो नहीं है क्योंकि दस दिन वह धर्म तो हम साल भर से प्रतीक्षा कर रहे थे दस रक्षण पर्व आएगा इसी संघ का सानिध्य प्राप्त तो होगा हम दस लक्षण विधान करेंगे पूजन अनुष्ठान करेंगे और यदि संघ का सानिध्य मिल गया तो बहुत बड़ी संख्या में एक साथ बैठ कर के हम पूजन आराधना अर्चना करेंगे लेकिन इस पूजन आराधना और अर्चना का फल क्या हमारे जीवन में हमको मिला है इसको देखने के लिए आपको जागृत होना पड़ेगा महाराज हम तो जागृत ही हैं सोबे थोड़ी हैं सो रहे हैं क्या आप सब सुन रहे हैं हमारी बात जब सब सभी सब, लोगों की हमने दृष्टि डाली है सभी जागृत हैं जागृत हैं लेकिन ये जागृत नींद से आप नहीं हैं नींद में नहीं हैं लेकिन जो महानींद है जिन कर्मों के कारण हम महानींद में सो रहे हैं क्रोध मान माया लोभ आदि के माध्यम से जो हमारी गहरी नींद है उस अनी से जागृत होने की बात है बंधुओं जब कुछ शेष नहीं बचा तो फिर आप क्या रह गए शास्त्रों ने कहा है आमिको खुशु दंशन नाण मयियो सदारूवी नवी अर्थ मज्य अन्नम परमाणु मित्व पिय कुंद कुंदाचार्य धीरे कह रहे हैं मैं एक हूं वास्तव में मैं शुद्ध हूँ हमारी आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं लेकिन अभी हमारे हम आत्मा को ही नहीं जानते कि हम आत्मा हैं हम तो शरीर को ही आत्मा मान करके के बैठे हैं तो फिर हमको आत्मा के स्वरूप की तरफ दृष्टिपात करने का समय कब प्राप्त होगा हमारे भीतर जो आत्म भगवान बैठा हुआ है उस आत्म आत्म भगवान का जो स्वरूप है वो तो है कि वो अकेला है। कोई भी उसका नहीं है कोई संगी साथी उसके साथ नहीं है यदि संगी साथी उसके साथ लग गया होता तो फिर उसकी शुद्धता भी नष्ट हो जाती जिनके साथ संसार के प्रा इसीलिए तो संसार के प्राणियों को संसारी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के साथ बहुत कुछ जोड़ रखा है और आत्मा के साथ तो जुड़ा है नहीं जुड़ा हो लेकिन जो भौतगलिक मन हमारे भीतर है जो जिसके कारण हमारे भीतर कसाएं जागृत होती हैं जो सम्यक दर्शन के बिना हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हुए जो शरीर है या अन्य धन आदि के मैं और मेरा के बीच में आप निवास कर रहे हैं शरीर को आप अपना मान रहे हैं शरीर को और उसके अतिरिक्त जो कुछ आपने एकत्रित किया है वो मेरा है और यदि मन में ये भाव जागृत होते हैं कि अभी कुछ कमी है मेरे की कुछ और आना चाहिए तो फिर आप अकिंचन नहीं हो सकते क्योंकि अन्नम परमाणु मित्तम भी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है मुझ में नहीं है मेरी आत्मा तो शुद्ध है और उसमें फिर परमाणु मात्र भी परिग्रह को कोई स्थान नहीं है ये भावना भाने के लिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप अभी जिन वस्त्रों में और जिस घर में आप निवास कर रहे हैं उसमें आप ऐसे तो हो नहीं सकते ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो इस बात के लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं वो कोशिश और प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें केवल हमारी आत्मा ही दिखाई दे अन्य परमाणु मात्र भी संसार के परिग्रह जो संसारी जीवों के पास हैं उनमें हमारा लक्ष्य न जाए इसी बात का तो पुरसार्थ कर रहे हैं तीर्थंकर चक्रवर्तियों ने क्या किया सठ के अधिपति थे शांतिनाथ कंथुनाथ और अहनाथ भगवान चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे सबसे सुंदर रूप विश्व में विश्व में जितना सुंदर रूप होता है वो सबसे सुंदर रूप तो उन दोनों तीनों भगवान के पास में था तो वो चक्रवर्ती भी थे तीर्थंकर भी थे उन्होंने धर्म तीर्थ का परावर्तन भी किया लेकिन उसके बीच ये सब कुछ बात प्राप्त करने के बाद सठ का आधिपत्य तो प्राप्त करने के बाद भी मान कषाय ने उनके भीतर स्थान नहीं पाया यदि वो मान कसाए का स्थान पा लेते अपने भीतर तो फिर उनका तीर्थंकरण होना या तीर्थंकर प्रदेश का बंद होना सार्थक नहीं हो सकता था इसलिए ये कसाएं जो हैं हमारी आत्मा को कषती हैं हमारी आत्मा मलिन हो रही है हमारी आत्मा दुखी हो रही है आप क्रोध करके देखिए कितनी देर क्रोध करेंगे मान करके देखिए मान तो काफी देर लंबे लंबे समय चल सकता है क्रोध कि आप कितनी देर करेंगे आपका शरीर नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर उनसे पूछ लीजिए कि क्या क्या बीमारी है मान करने कसा करने से उत्पन्न होगी हम क्यों इस प्रकार अपनी आत्मा को दुख में दुख का पात्र बना रहे हैं प्रयत्न करें कोशिश करें छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में घटती हैं और वो छोटी चोड़ छोटी बातें हमारे जीवन में कभी क्रोध जागृत करती है कभी मान जागृत करती है कभी लोभ भी जागृत हो जाता है तो ये तो लोभ जागृत होता है तो फिर हम अपने स्वरूप से तो पृथक हो गए इसलिए बंधुओं आज आकिंचन धर्म का दिन है आप सब आकिंच, आकिंच, मैं आकिंचन हूँ इतना एक मंत्र का जाप ही आप करके देखिए जरा थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि हम कुछ प्राप्त कर सके हैं इतना बड़ा अनुष्ठान आपने संपन्न किया है आप सबके जीवन में आकिंचन धर्म उत्पन्न हो छोटी छोटी बातें जो हमें कसाई की तरफ ले जाती हैं उन छोटी छोटी बातों को छोटी छोटी बात समझ करके छोड़ते चले जाए उनकी गांड बांध करके न रखें यदि गांठ बांध करके रखेंगे तो गांठ लाभ भी करती है और नुकसान भी करती है द्विपायन मुनि आदि शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण भरने पड़े जिन्होंने गांठ बांध करके रखी दुखी वे दुखी हुए मरण को प्राप्त तो होना पड़ा रावण का उदाहरण भी हमारे सामने है लेकिन गांठ फलदायी भी होती है गन्ने की गांठ जो होती है उस गांठ में एक बीज होता है उसका तो उससे व्यक्ति जो है फिर जमीन में बो कर के रस भरे गन्ने को प्राप्त करता है हमने ये अनुष्ठान किया है ये पूजा की है आराधना अर्चना की है हमें रस भरा गन्ना तो नहीं प्राप्त करना है हमारे भीतर खेत है खेत हमारे भीतर ही है अपनी आत्मा को हम खेत बनाए और क्षेत्र में हम इस धर्म के बीज को बोएंगे तो निश्चित है कि सिद्ध परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त होगा और एक दिन आप सिद्ध परमात्मा बनकर के सुख को प्राप्त हो सकेंगे जय बोलो महावीर भगवान की महानुभव पर घर पर है दृष्टि तेरी उस दृष्टि को बदल डालो यही धर्म का मूल